हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपके लिए क्या हूँ, आपके जो ज्योग्राफी का चैप्टर 8 है ह्यूमन रिसोर्सेज, तो इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का सोल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। सो ये इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जो सेकंड पार्ट है, जहां पर हमने फर्स्ट पार्ट में आपके जो फिलअप वाले हैं, गिव रीजन है, एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन है, उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। आपने उसको नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन आपको वहां पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है आंसर द क्वेश्चन इन ब्रीफ, मीन्स जो ब्रीफ में शॉर्ट में आपको आंसर देने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड द साइज ऑफ द पॉपुलेशन नॉट मैटर एज मच एज द स्केल ऑफ द पॉपुलेशन डिड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो यहाँ पर आया कि भाई पॉपुलेशन है किसी भी पर्टिकुलर का, वो मैटर नहीं करता है, अदर जो फैक्टर्स हैं वो स्केल जो है मायने करता है। तो आंसर आपका हो जाएगा इन द पास्ट When most of the work was done manually, it was the size of the population that determined the power of a country. मतलब पहले क्या होता था, जो ह्यूमन रिसोर्स हाथों उसके माध्यम से सब काम होता था तो पॉपुलेशन डिपेंड करता था, बट आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वन मशीन कुड परफॉर्म द टास्क ऑफ द सेवरल पर्सन विथ मच ग्रेटर स्पीड एंड प्रिसिशन, सो द फोकस शिफ्टेड फ्रॉम हैविंग अ लार्ज पॉपुलेशन टू हैविंग अ वेल ट्रेंड एंड स्किल्ड पॉपुलेशन। मतलब क्या हुआ कि भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मशीनों से होने लगा, तो एक मशीन है वो कई लोगों का काम और ग्रेट स्पीड से कर सकते थे, इसके कारण से ज्यादा पॉपुलेशन पर अब फोकस होकर स्किल जो ट्रेंड जो पॉपुलेशन है उस पर ज्यादा फोकस होने लगा। देन सेकंड आता है आपका हाउ कैन वी क्लासीफाइड लेबर ऑन द बेसिस ऑफ स्किल। सो हम क्लासिफिकेशन यहाँ पर देखें तो ह्यूमन रिसोर्सेज कैन बी डिफाइंड एज द लेबर इनपुट्स इनटू द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्किल। वी कैन क्लासिफाई लेबर इंप्लॉयड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इनटू थ्री ग्रुप्स, अनस्किल्ड, स्किल्ड एंड हाईली स्किल्ड। मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स है तो उसका जो लेबर इनपुट्स है हम उसका जो प्रोडक्शन प्रोसेस पर देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो स्किल आपके अनस्किल्ड, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड जो है उसके थ्रू हम उसको क्लासिफाइड करते हैं। देन थर्ड आता है आपका लिस्ट द फैक्टर दैट डिटरमाइन द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ नेशंस ह्यूमन रिसोर्सेज। तो वो क्या क्या फैक्टर्स है, तो आंसर आपका हो जाएगा द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ नेशंस ह्यूमन रिसोर्सेज डिपेंड ऑन द सर्टेन फैक्टर सच एज देयर हेल्थ, लिटरेसी, टेक्निकल स्किल्स, इंडस्ट्रियस नेचर्स एंड द मोटिवेशनल लेवल एंड द टेक्नोलॉजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द नेशंस। मीन्स जो प्रोडक्टिविटी है तो वहां के जो पीपल कितना हेल्थी है, कितना लिटरेट है, कितना टेक्निकल उसको नॉलेज है, इंडस्ट्रियल जो नेचर वहां का क्या है, मोटिवेशनल लेवल क्या है, टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या है, तो ये सभी जो डिटरमाइन करता है कि नेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो किसी है। देन नेक्स्ट आपका फोर्थ आएगा हाउ डू वी डिटरमाइन पॉपुलेशन डेंसिटी। सो आंसर आप देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी इज ड्राइव बाय द डिवाइडिंग द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस बाय द टोटल लैंड एरिया ऑफ दैट प्लेसेस। मतलब जो है हम जो डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन ऑफ कोई जो पर्टिकुलर प्लेस का है उसको टोटल लैंड एरिया से, तो हमें पॉपुलेशन डेंसिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है फिफ्थ नंबर का हाउ आर द रीजंस ऑफ द वर्ल्ड क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। सो इससे रिलेटेड आंसर आपका हो जाएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन द रीजंस ऑफ द वर्ल्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू, फर्स्ट आता है आपका एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी जहां पर एबव 100% पर स्क्वायर किलोमीटर होता है। सेकंड आता है एरिया ऑफ मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी जहां पर आप देखोगे तो 50 to 100% पर स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलता है, वहीं पर एरिया ऑफ लो पॉपुलेशन डेंसिटी जहां पर लेस देन 50% पर स्क्वायर किलोमीटर होता है। तो इस तरीके से ये फिफ्थ के आंसर हुए। देन नेक्स्ट आता है आपका सिक्स नंबर का व्हाई इज इट बेटर फॉर अ कंट्री टू हैव अ लोअर डिपेंडेंसीज रेशियो, थिंक एंड आंसर। तो इससे आंसर हो जाएगा कि इन अ कंट्री विद अ हाई डिपेंडेंसीज रेशियो द वर्किंग पॉपुलेशन एंड द इकोनॉमी फेस अ ग्रेट बर्डन एज दे सपोर्ट अ लार्ज डिपेंडेंट पॉपुलेशन, व्हाइल इन अ कंट्री विद अ लो डिपेंडेंसी रेशियो अ लार्ज वर्किंग सेगमेंट सपोर्ट अ स्मॉल डिपेंडेंट पॉपुलेशन, दैट इज व्हाई इज बेटर फॉर अ कंट्री टू हैव अ लो डिपेंडेंसी रेशियो। मीन्स ऐसे कंट्री जहां पर हाई डिपेंडेंसी रेशियो है तो वहां पर वर्किंग पॉपुलेशन जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जो डिपेंडेंट होते हैं उन वर्किंग जो पॉपुलेशन पर उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है, तो एक तरीके से देखोगे तो जो काम करने वाले लोग हैं उनको ज्यादा बर्डन हो जाता है। बट जहां पर लो डिपेंडेंसी रेशियो होता है वहां पर क्या होता है कि भाई जो काम करने वाला ज्यादा है और उस पर डिपेंड रहने वाले लोग हैं कम है, तो वहां पर बेटर होता है। देन नेक्स्ट आता है आपका डिटेल वाले क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट नंबर आता है आपका कि विच आर द रीजन ऑफ एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका डेट है हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, एग्जामिन द फैक्टर दैट हैव कंट्रीब्यूट टू हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इन दोस रीजन।
मीन्स जो एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका है वहां पर हाई डेंसिटी वाले रीजन जो है आपको बताने हैं। आंसर देखते हैं, रीजन ऑफ द वर्ल्ड दैट हैव फ्लैट टेरेंस एंड रिवर बेसिन आर यूजली डेंसली पॉपुलेटेड एज ए सपोर्ट एग्रीकल्चर सेटअप इंडस्ट्रीज एंड डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिस प्लेसेस। मतलब ऐसे जो रीजन जहां पर समतल मैदान होता है, रिवर बेसिन होता है, वहां पर जो है ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है, क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर कारण बेहतर होता है, इंडस्ट्रियल वहां पर बेहतर होता है, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेनी और जो रिवर वैली जो यांगतेज है, जो रिवर जो चाइना में है, वो इसका एग्जाम्पल है। फिर आपका सेकंड पॉइंट आता है कि रीजन विथ इक्वेबल एंड मॉडरेट क्लाइमेट टेन टू बी मोर हैवली पॉपुलेटेड देन प्लेस दैट आर वेरी कोल्ड, हॉट, ड्राई और वेट। फॉर एग्जाम्पल ईस्टर्न चाइना, ईस्टर्न यूरोप। मीन्स अब यहाँ पर जहां पर फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है, अच्छा मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन, ना तो ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी है, तो वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन रहेगा। जैसे ईस्टर्न चाइना आप देख सकते हैं, ईस्टर्न यूरोप एग्जाम्पल हो सकता है। उसी तरीके से एरिया रिच इन रिसोर्सेज लाइक कोल, ऑयल, फिश एंड सो ऑन टेन टू बी डेंसली पॉपुलेटेड, फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न यूएसए। मतलब ऐसे एरिया जहां पर बेटर जो नेचुरल जो रिसोर्स अवेलेबल है, तो वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल ईस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूएसए है। उसी तरीके से आप देखेंगे तो एरिया विद बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज एंड हाउसिंग टेंड टू बी हैवली पॉपुलेटेड, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सफोर्ड इन यूके, पुणे, बेंगलुरु एंड चाइना इन इंडिया। मीन जो बेटर एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज है, हाउसिंग है, वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल आप ऑक्सफोर्ड, यूके, पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई देख सकते हैं। देन प्लेस विथ इंडस्ट्रीज दैट प्रोवाइड अबंडेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, प्लेस विथ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी टेंड टू बी मोर डेंसली पॉपुलेटेड। इसमें एग्जाम्पल आप देख सकते हैं वेस्टर्न यूरोप, बेंगलुरु, कोयम्बटूर इंडस्ट्रियल रीजन। डिफरेंट 5 पॉइंट्स है, आपको जितना सफिशियंट लगता है उतना ही नोट डाउन आप कीजिए। आप 4.3 पॉइंट्स आप कर सकते हैं, आपके टीचर जितना अलाउ करते हैं उतना। देन कंपेयर द एरियाज ऑफ मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी विद दोज ऑफ लो पॉपुलेशन डेंसिटीज बाय गिविंग एग्जाम्पल। तो इससे रिलेटेड आंसर आपका हो जाएगा, प्लेस विथ रग्ड एंड माउंटेनियस रिलीफ डू नॉट प्रोवाइड मच स्कोप फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट, सच प्लेसेज ऑफ्टन हैव अ लोअर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। मतलब जहां पर उबड़ खाबड़ जमीन है, माउंटेनियस जो एरियाज है, वहां पर एग्रीकल्चर बेहतर नहीं हो पाता, इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाता, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बेहतर नहीं होता, इसके कारण से वहां पर लो पॉपुलेशन डेंसिटी मिलती है, लोग वहां पर कम बसते हैं। प्लेस जो एक्सपीरियंस एक्सट्रीम कोल्ड हीट और एरिडिटी और विथ हाईली चैलेंजिंग टेरेंस टू आर इनहॉस्पिटेबल फॉर परमानेंट सेटलमेंट एंड सपोर्ट एक्सट्रीमली लो पॉपुलेशन डेंसिटी। उसी तरीके से ऐसे जो प्लेस जहां पर बहुत ठंडा है, बहुत ज्यादा गर्मी है, सूखा है, अप एंड डाउन घाटियां हैं, तो यहाँ पर जो है परमानेंट सेटलमेंट सपोर्ट नहीं हो पाता, तो यहाँ पर कम पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलता है। एज रिजल्ट ऑफ दिस फैक्टर सम प्लेसेज हैव अ मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी व्हाइल सम प्लेसेज हैव वेरी लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो इन सबके कारण से कहीं कहीं पर मीडियम जो पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलता है और कहीं कहीं पर बहुत कम पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलता है। इसमें आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी का, तो कोस्टल पार्ट ऑफ अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया दैट सराउंडेड द मेडिटेरियन सी, सेंट्रल पार्ट ऑफ यूएसए एंड ईस्टर्न यूरोप, ये जो है मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी की एग्जाम्पल है। लो पॉपुलेशन डेंसिटी में आप देखोगे तो डिजर्ट, जिसमें सहारा डिजर्ट आता है, द कालाहारी डिजर्ट है, द अरेबियन डिजर्ट है, द गोबी डिजर्ट है, उसके अलावा एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया सच एज अंटार्कटिका और नॉर्वे। तो ये सब आपके जो पॉपुलेशन मॉडरेट और लो पॉपुलेशन डेंसिटी के एग्जाम्पल हुए। देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर का, एक्सप्लेन हाउ द डिपेंडेंसीज रेशियो इज कैलकुलेटेड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल व्हाट इंपॉर्टेंट पर्पस कैन दिस कैलकुलेशन बी यूज फॉर। तो इससे रिलेटेड आपका आएगा कि द रेशियो ऑफ द नॉन वर्किंग पॉपुलेशन टू द वर्किंग पॉपुलेशन इज कॉल्ड द डिपेंडेंसी रेशियो ऑफ अ कंट्री। मतलब जो जहां पर जो नॉन वर्किंग जो पॉपुलेशन है और जो वर्किंग पॉपुलेशन है, तो उसके जो रेशियो को जो कहा जाता है उससे हम डिपेंडेंसी रेशियो कहते हैं। इन एनी पॉपुलेशन चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज एंड पीपल हु आर अबव 55 ईयर्स ऑफ एज आर अज्यूम टू बी इकोनॉमिकली इनएक्टिव। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, जो डिपेंडेंट कहते हैं। सो इन अ कंट्री विद अ हाई डिपेंडेंसी रेशियो द वर्किंग पॉपुलेशन एंड द इकोनॉमी फेस अ ग्रेट बर्डन एज दे सपोर्ट अ लार्ज डिपेंडेंट पॉपुलेशन, वाइल इन अ कंट्री विथ लो डिपेंडेंसी रेशियो लार्ज वर्किंग सेगमेंट सपोर्ट अ स्मॉल पॉपुलेशन। मतलब ऐसी जो कंट्री जहां पर डिपेंडेंसी रेशियो हाई है, तो वहां पर वर्किंग पॉपुलेशन कम होता है और जो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा होता है। इसके कारण से जो वर्किंग पॉपुलेशन पर बर्डन बन जाता है, बट
लोड डिपेंडेंसी रेशियो में क्या होता है कि वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा हो जाता है और सपोर्ट जो करने वाले जो पॉपुलेशन है वो कम होता है, तो इस कारण से यहाँ पर बेहतर स्थिति होती है। देन देयर फॉर डिपेंडेंसी रेशियो इज एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ इकोनॉमी एंड इज यूज बाय गवर्नमेंट टू डेवलप फ्यूचर पॉलिसीज ऑफ द कंट्री। मीन्स जहां पर डिपेंडेंसी रेशियो कम होगा तो वहां की इकोनॉमी जो है बेहतर होगी, और इसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च करने में, पॉलिसी बनाने में बेहतर होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिपेंडेंसी रेशियो को कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी रेशियो नंबर ऑफ पीपल एज 0 to 14 प्लस नंबर ऑफ पीपल एज 65 एंड एबव, उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पीपल एज 15 to 65, उनका जो संख्या है उससे ऊपर वाले जो 0 से 14 के बीच और 55 से अबव के बीच है उनके बीच हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो यहाँ पर हमारे डिपेंडेंसी रेशियो आ जाएगी। नेक्स्ट आता है आपको फोर्थ नंबर का, राइट नोट ऑन सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हाउ विल यू जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन इम्प्रूवमेंट इन द लिटरेसी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैन कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू अ कंट्रीज डेवलपमेंट। तो सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर हमें नोट्स निकला है, साथ ही साथ बताना है कि जो लिटरेसी रेट है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कंट्री के डेवलपमेंट में कैसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो आंसर देखिए, सेक्स रेशियो मीन्स क्या होता है कि सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, मीन्स जो पर 1000 मेल पर कितने फीमेल्स के नंबर्स हैं वो सेक्स रेशियो कहलाता है। मेनी यूरोपियन और अफ्रीकन कंट्रीज है वहां पर आप देखोगे तो फीमेल्स जो रेट्स है वो बेहतर देखने को मिलता है मेल्स पर। उसी तरीके से हम इंडिया में देखें तो इंडिया में जो कुछ जो स्टेट्स हैं, जैसे आप केरला के देखिए, तो वहां पर जो मेल फीमेल सेक्स रेशियो है वो पर 1000 मेल पर जो 1020 जो फीमेल्स है वो देखने को मिलता है। उसी तरीके से आपका लाइफ लिटरेसी रेट आता है, ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इकोनॉमिकली जो प्रोवाइडिंग प्रोडक्टिव जो पॉपुलेशन का। सो अकॉर्डिंग टू यूएन हम देखें तो लिटरेसी इज द एबिलिटी टू रीड एंड राइट विद अ सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक बांग्लादेश हैव लो रेट्स ऑफ लिटरेसी व्हाइल रशिया एंड यूएस शो अ हाई लिटरेसी रेट। मीन्स यहाँ पर आप जो देखेंगे तो लिटरेसी रेट अगर कोई जो पर्सन है वो रीड कर लेता है, राइट कर लेता है, या फिर और जो सर्टेन लेवल तक जो कुछ जो अंडरस्टैंड कर लेता है तो उसे यूएन के अकॉर्डिंग लिटरेट माना जाता है। बांग्लादेश में लो लिटरेसी देखने को मिलता है, रशिया यूएसए में हाई लिटरेसी रेट देखने को मिलता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसीज क्या है, सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कैन बी डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ ईयर अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल बोर्न इन द सेम ईयर आर एक्सपेक्टेड टू लिव। द लाइफ एक्सपेक्टेंसीज ऑफ अ कंट्री डिपेंड ऑन द हेल्थ ऑफ इट्स पीपल्स। मतलब कौन सा व्यक्ति जो कोई व्यक्ति जो पर्टिकुलर ईयर में जन्म ले तो कितने साल तक जीवित रहेगा ये डिपेंड करता है, ये कहलाता है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और ये डिपेंड किस पर करता है, तो उस जो पीपल्स के जो हेल्थ कंडीशन कैसा है, वहाँ कंट्री के जो हेल्थ कंडीशन कैसा है, इस पर डिपेंड करता है कि वहां का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितना रहेगा। देन आता है जो स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाइड करना है कि द फ्यूचर ऑफ एवरी कंट्री डिपेंड ऑन इट्स यूथ। मतलब जो किसी भी जो कंट्री के जो फीचर्स है वो जो डेवलपमेंट है वहां का जो है वो वहां के यूथ पर करता है। तो इट इज देयर फॉर इम्पोर्टेंट टू इन्वेस्ट इन द हेल्थ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ अवर यूथ एंड हेल्प देम एक्सप्लोर एवरी अपॉर्चुनिटी टू बिकम एबल एंड हाईली प्रोडक्टिविटी। इस कारण से हमें क्या करना है, तो उन जो यूथ है उसके हेल्थ पर, एजुकेशन पर, स्किल पर हमें इन्वेस्टमेंट करना है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव हो सके और उसी के अकॉर्डिंग कंट्री जो है डेवलप करेगा। तो ये फोर्थ के आंसर भी। नेक्स्ट आता है आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलिटिकल मैप वर्ल्ड का होगा, जहां पर हाईली पॉपुलेटेड डेंसली मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी और लो पॉपुलेशन डेंसिटी वाले जो रीजन है उसको मार्क करने हैं और नेम जो 5 कंट्रीज के जो नाम नोट डाउन करने हैं। तो कंट्रीज विथ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी में हम चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, जापान, श्रीलंका का नोट डाउन कर सकते हैं। मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी में हम स्पेन, इटली, ग्रीस और फ्रांस और केन्या का नाम नोट डाउन कर सकते हैं। उसके अलावा कंट्रीज लो पॉपुलेशन डेंसिटी है तो वहां पर सऊदी अरेबिया, लीबिया, मंगोलिया, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड का जो है हम क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। और ये मैप आपको दिख रहा है वर्ल्ड का, आप एटलस लीजिए या फिर आप जो है इसे जो है प्रिंट आउट निकालिए और इसको ड्रॉ कीजिए और यहाँ पर जो कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप जो है इस तरीके से डार्क लाइट जो है ग्रीन लाइट कलर इस तरीके से करते हुए उसको शेडो बनाते हुए आप दिखा सकते हैं। देन सेकंड आएगा आपका ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड, सॉरी देन नेक्स्ट बी नंबर आएगा आपका ऑन अ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया मार्क द एरिया विच हैव अ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ मोर देन 400 एंड एरिया विद अ पॉपुलेशन डेंसिटी लेस देन 25। तो यहाँ पर आप जो गंगेटिक प्लेन जो हाईली जो हाई लोड पॉपुलेशन डेंसिटी मिलता है मोर देन
400 है, और उसी तरीके से थर्ड डिजर्ट आप देखोगे तो वहां पर लो देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर मैंने आपके एक मैप लिए और इसको हम जो है इस तरीके से कलर कर देंगे, उसी तरीके से लो डेंसिटी के लिए हम यहाँ पर हम जो है थर्ड डिजर्ट वाला एरिया है उसको हम कलर कर देंगे लाइट कलर से। तो ये हो गया। देन नेक्स्ट आता है आपका, स्टडी द मैप शोइंग द सेक्स रेशियो इन इंडिया, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द ऑब्जर्व पैटर्न्स, गिव रीजन व्हाई सम एरिया हैव सच लो सेक्स रेशियो एंड सम हैव हाई सेक्स रेशियो। तो ये सेक्स रेशियो से मैप हमने आपको आप देखने को मिला था बुक्स में, तो इससे रिलेटेड आंसर आ जाएगा कि नॉर्थ इंडिया मोस्ट प्लेसेस इन द गैंगेटिक प्लेन एंड वेस्टर्न इंडिया हैव अ लोअर देन एवरेज सेक्स रेशियो, साउथ इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ ईस्ट इंडिया हैव अ हेल्थ सेक्स रेशियो, सो केरला हैज द हाइएस्ट सेक्स रेशियो। मेन रीजन आर दैट हायर लिटरेसी रेट हैविंग अ बेटर सेक्स रेशियो एंड द स्टेट विथ लो लिटरेसी हैव अ लो सेक्स रेशियो। मतलब कुछ जो नॉर्दर्न इंडिया का जो पार्ट गैंगेटिक प्लेन वेस्टर्न इंडिया है, यहाँ पर जो लोअर सेक्स रेशियो देखने को मिलता है, बट साउथ जो पार्ट में जहां पर हम जो जाए तो वहां पर केरला स्पेशली वहां पर हाइएस्ट जो सेक्स रेशियो हमें देखने को मिलता है। तो मेन रीजन क्या है कि जो लिटरेसी रेट है ये बेटर सेक्स रेशियो होने का ज्यादा इंडिकेट करता है कि जहां पर लिटरेसी रेट हाई है वहां पर सेक्स रेशियो भी हमें हाई देखने को मिलता है। देन डी नंबर आता है, इज देयर अ कोरिलेशन बिटवीन द सेक्स रेशियो इन द वेरियस स्टेट एंड द पैटर्न ऑफ लिटरेसी इन द स्टेट ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन। तो ये अभी जस्ट हमने देखा उसी तरीके का आंसर है कि व्हेन वी कंपेयर द मैप शोइंग सेक्स रेशियो एंड लिटरेसी लेवल, देयर अपीयर टू बी अ कोरिलेशन विद सम ऑफ द स्टेट विद द हायर लिटरेसी रेट हैविंग अ बेटर सेक्स रेशियो, जैसे एग्जाम्पल था केरला, एंड द स्टेट विद लो लिटरेसी हैविंग अ लो सेक्स रेशियो, जिसका एग्जाम्पल आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर, राजस्थान हो सकता है। तो जहां पर लिटरेसी रेट हाई है वहां पर सेक्स रेशियो भी आपको हाई मिलेगा, और जहां पर लिटरेसी रेट लो है तो वहां पर सेक्स रेशियो भी हमें लो देखने को मिलता है। तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन के आंसर हुए। नेक्स्ट आता है आपका पिक्चर बेस्ड। तो यहाँ पर एक जो पिरामिड दिया है यूके का और इंडिया का, और इसमें से हमें कंपेरिजन करते हुए आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन आपका आता है कि व्हाट डज द शेप ऑफ यूकेस पॉपुलेशन पिरामिड सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो आंसर हो जाएगा, यूके पॉपुलेशन पिरामिड इज शेप्ड लाइक अ काइट विथ अ ब्लगिंग मिडिल, अ नैरोअर बेस एंड अ टैपरिंग टॉप्स। दिस शोज दैट यूके हैज वेरी लो बर्थ रेट एंड अ डेथ रेट, सो इट हैज अ एजिंग पॉपुलेशन। मतलब यूके का एग्जाम्पल आप देखोगे तो वहां पर शो हो रहा है कि भाई जो बर्थ रेट और डेथ रेट कम है और एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिल रहा है, इस कारण से बीच वाला भाग है वो फूला हुआ नजर आ रहा है। देन सेकंड आता है, विच ऑफ द टू कंट्रीज हैज अ हायर डिपेंडेंसी रेशियो, व्हाई डू यू से सो। सो इंडिया हैज अ हायर डिपेंडेंसी रेशियो देन यूके, वी कैन से सो बिकॉज इंडिया पॉपुलेशन पिरामिड इज ब्रॉड एट द बेस एंड टैपर्स अप स्टेडली एट द टॉप। दिस सजेस्ट दैट इंडिया डेथ रेट हैव ड्रॉप्ड व्हाइल बर्थ रेट रिमेन हाई, सो इट्स डिपेंडेंस पॉपुलेशन इज मोर देन दैट ऑफ यूके विच हैज अ मच लोअर बर्थ रेट while their rates are much the same as that of India's। मतलब अब यहाँ पर हुआ कि हम जो देखते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया में बर्थ रेट हाई है बट डेथ रेट लो हो गया है, बट यूके में देखा जाए तो वहां पर बर्थ रेट भी लो है और डेथ रेट भी लो है, तो इसके कारण से वहां पर डिपेंडेंसी रेशियो कम नजर आ रहा है और इंडिया में जो डिपेंडेंसी रेशियो हाई देखने को मिल रहा है। देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर का, व्हाट डज द डिफरेंसेस इन शेप बिटवीन द टू पिरामिड्स। दो जो डिफरेंट जो पिरामिड्स है वहां पर क्या डिफरेंसेस देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ जो हिंट दिए गए, जो बर्थ रेट है, डेथ रेट है, ग्रोथ रेट है, डेवलप में या फिर लेस डेवलप है, एप्लीकेशंस फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज है, ये सब। तो इससे रिलेटेड आंसर हो जाएगा कि द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड सजेस्ट दैट इंडिया हैज अ हायर बर्थ रेट देन यूके बट बोथ एंजॉय सिमिलरली लो डेथ रेट्स। इंडिया हैज अ मच ग्रेटर ग्रोथ रेट देन द यूके। इन अ कंट्री विद अ हाई डिपेंडेंसी रेशियो सच एज इंडिया, the working population and the economy face a great burden as they support a large dependent population, while in a country with a low dependency ratio such as UK, the economy and the working population face a smaller burden as a large working segment support a small population. So pyramids की बात करें तो यहाँ पर जो इंडिया और जो यूके का जो पिरामिड्स है, तो हम इंडिया में देखें तो बर्थ रेट हाई है बट यूके में लो था, और डेथ रेट जो है आप देखोगे तो यूके में बहुत कम मिलता है और बर्थ रेट भी कम मिलता है। सो इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि डिपेंडेंसी रेशियो है इंडिया में ज्यादा नजर आ रहा है, जहां पर वर्किंग का पॉपुलेशन कम और डिपेंडेंस पॉपुलेशन ज्यादा है, बट यूके में वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा और डिपेंडेंस पॉपुलेशन कम है, इसके कारण से जो यूके का जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा बेहतर
हमें नजर आता है, क्योंकि वहां पर वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है, तो वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरीके से ये जो लॉन्ग जो चैप्टर था उसके पूरे सॉल्यूशंस है मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने क्लास फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स है कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कर सकते हैं आप, और चैनल पर नए हैं और चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो आपको आगे यहाँ से मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू।